भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, और वो मोहतरमा सामने से हमारा वीडियो बना रही है उनके कैमरे से। अब उनको जाने क्या मज़ा आ रहा है हमारा। देखिए काफी लोग जल कीड़ा कर रहे हैं, ये देखिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम करावी। स्वागत है आपका नए एपिसोड में। भाई आज जा रहे हैं फोर आइलैंड टूर पर, बट वेदर आज काफी खराब है भाई, काफी तेज पानी आ रही है। और ये सामने दो लग्जरी बसें खड़ी हैं। तो भाई अभी ड्राइवर का फोन आया, बोले 2 मिनट में मेरे पास रहा वो मुझे पिक करने के लिए। तो ये टूर हमने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था 900 बात में लिया, लंच इंक्लूडेड है। लेट सी कैसा वेदर मिलता है, वेदर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारे पैसे पूरे वसूल हो जाए। आ चुकी बस, और बड़ी अच्छी डिजाइनर बस है। बस क्या है भाई, टुक टाइप है, देखिए ये खड़ी है, ये है। और बारिश हो रही भाई काफी खड़ी है, आप इसको मिनी ट्रक बोलेंगे गलत नहीं होगा भाई। ट्रक तो इन्होंने पैसेंजर वाहन बना दिया, काफी मजा आता है भाई इसको ट्रेवल करने में। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए फोर आइलैंड टूर जैसा देखना ही नहीं मिलता। मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने 2 टाइम सिर्फ फिफ्थ आइलैंड ट्राई करा है। आपका आज ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैंने इसको मीडियम मोड और माइक वगैरह कुछ भी सेटअप नहीं कराया, क्योंकि भाई आज हमें अंडर वाटर एक्टिविटी करनी है। पियर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेक इन करना है, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे भाई स्पीड बोट से। ये देखिए इस तरह का नज़ारा, और ये सामने काउंटर है, यहाँ पे आपको अपने चेकिंग प्रोसेस करना है। तो चलिए निकालते हैं अपना टिकट, और यहाँ शायद एक बैंड देंगे हाथ पे लगाने के लिए, और उसके बाद चलेंगे अंदर। तो देखिए आप यहाँ का प्रोसेस, यहाँ से आकर दूसरे पियर पर ये एंट्री यहाँ से लेना है। ये इस तरह का भाई सारा प्रोसीजर हो गया, और ये बैंड दे दिया, ये बैंड लगाना है हाथ में, ये लगा लेते हैं और ये चलते हैं अंदर वेटिंग एरिया में बैठते हैं। ये वेटिंग एरिया देखिए, सारे पैसेंजर्स बैठे हैं वेटिंग एरिया। तो आप कह सकते हैं आपके पैकेज में इंक्लूड है भाई, आपको सारी चप्पल वगैरह इनकी थैली में डालना है यहीं पर, ये देखो। और आ चुके हैं बिल्कुल अपनी स्पीड बोर्ड के पास, ये स्पीड बोर्ड मिलेगी आपको। ये चलते हैं भाई अंदर, काफ़ी ढीला ढुल्ला हो गया भाई, चिकना हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। भाई बारिश खूब हो रही है, आज मौसम सही नहीं है, कोना पकड़ लेते हैं मेरे हिसाब से। तो इधर ही बैठ जाते हैं पीछे की साइड, ताकि हम वीडियो आसानी से बना सकें। यहाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक सब फ्री है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिलेगी। देखिए ये लाइफ जैकेट भी रखें। And not now, and like you can walk 5 minutes over there, like a big cave and next speed, like a rare beach, top 20 in the world. चलिए भाई आगे भी caves वगैरह सब है, top 20 के अंदर आती है caves, चलिए explore करते हैं। हो सकता है kayak भी मिले अपने को, आप यहाँ monkey वंकी वगैरह speed करवाते हैं ना, तो भाई 1000 बात का fine है, तो आप कुछ speed नहीं करा सकते monkey। ये देखिए caves का entrance है, ये देखिए लोग फोटो खाए।
आप यहाँ फोटो सेशन भी कर सकते हैं। और ये आपके पास एक घंटे का टाइम है, अच्छे से फोटो सेशन एक घंटा सफिशेंट है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे काफ़ी चीज़ है, ये है फर्स्ट, और चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको। भाई जब आप क्लोज वगैरह सब जगह से आएंगे तो आपको ये शानदार नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देखिए हम पहुँच चुके बीच पे, तो अभी तो ये फर्स्ट स्टॉप है भाई, अभी तीन स्टॉप हो रहे हमारे। देखिए लोग क्लाइम कर रहे हैं, और ये देखिए यहाँ का आसपास का माहौल। और भाई अपने बोट के पास पहुंच चुके हैं, ये खड़ी है सारी बोटें। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट भी है, आप भी बुक कर सकते हैं, आपके ना अच्छा मोटा तगड़ा पैसा है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये रिसॉर्ट है पूरा, और अंदर गोरे घूम रहे हैं, और ये सामने आपको कुटिया टाइप दिख रही ना, ये सब भाई रूम्स हैं। बहुत ज़ोरदार, मज़ा आ गया, पूरे पैसे वसूल। तो चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है देखते हैं। ये देखिए बोट के अंदर का नज़ारा, भाई एक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। और भाई नाम बार बार भूल जाता हूँ, प्रनाउंस नहीं कर पाता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा जरूर, चेकआउट कर सकता हूँ। हमें कुछ टोटल चार आइलैंड विजिट करना है, ये सेकंड है। और ये भाई छोटा सा बीच है लेकिन काफ़ी खूबसूरत। देखिए ये इसका नज़ारा आसपास का ही, देखिए वाटर देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है भाई। ये बीच में छोटा सा बस बीच टाइप है, बाकी चारों तरफ पानी है। देखिए बहुत शानदार व्यू यार भाई, मज़ा आ गया। यहाँ से आए हैं, और ये देखिए इधर भी पानी, और छोटा सा बीच है, आप इसको भी ले सकते हैं भाई। इसका आपको 200 बात कम लगेंगे अगर आप इस बोट से आते हैं, तो स्पीड बोट से 200 बात एक्स्ट्रा लगेंगे, इसका आपका 600-700 में हो जाएगा। पानी देखिए भाई क्या क्लियर पानी, देखिए ये देखिए। यहाँ पर एक कैंटीन भी है, आपको खाना पीना है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन रेट आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे। चलो कि ऊपर भी जा सकते हैं, काफ़ी लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। 40 मिनट का स्टॉप है भाई, सब नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई, नहाने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन वही आंखों में जलन वलन होना शुरू हो जाएगी। जेब में मोबाइल भी पड़ा है, थोड़ा गिले नहीं करना है, सुबह 9 बजे फ्लाइट हमारी, कपड़े सूखेंगे नहीं, शाम तक तो हमारे हॉस्टल ही पहुँचेंगे, या फिर कपड़े यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। और आप चड्डियाँ भी देख पाएंगे यहाँ बहुत सारी हैं, ये देखिए ये देखिए, और आप देखिए हो सामने भी आप देखिए। तो भाई बुरा नहीं 900 बात काफ़ी अच्छा है, क्यूपी आइलैंड भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। आप अगर करा भी आए तो दोनों टूर करें, अगर आपने क्यूपी आइलैंड का पहले नहीं किया तो क्यूपी आइलैंड भी करिए, और ये भी 4 आइलैंड टूर भी करिए। तो वॉयलेट पार्ट सब अपने गाड़ी में रख दिया अपने ब्रेक में, और थोड़ा चलते हैं पानी के अंदर, दिखाते हैं अंडर वाटर, वाटर की क्लियरिटी दिखाते हैं। वाह उसको काफ़ी तगड़ी वाली आ रही है, देखिए देखिए काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे हैं। देखिए आ चुके हैं पानी के अंदर, और कमर कमर पानी में भैया अंदर मछली कितनी छोटी छोटी, देखिए खड़ी सारी बोटें, और आप यहाँ पे आके बहुत बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं भाई। ये देखिए हाँ हाँ यही मेरा, अगर कैमरा छूट गया ना भाई 50 के लोले लगेंगे, कोई सा भी छूटा दोनों 50-50 के। अब आप समझे मैंने माइक का और मीडियम बोर्ड को हटाया इससे, और बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, काफी आगे आ गए कमर कमर तक पानी है, देखिए बस सारी गीला नहीं करा है बाकी तो। यहाँ से भाई लोगों नज़ारे देखिए कितने जबर नज़ारे हैं।
बाईपास गार्ड लगा हुआ ना, इसके अंदर पानी चले गया तो अजीब गरीब दिख रही है, डिस्प्ले नहीं दिख रही है, लेकिन वर्किंग है भाई अपना कैमरा। तो भैया होगी स्नॉर्कलिंग, सामान मिल चुका हमारे को स्नॉर्कलिंग का पूरा सामान, तो अगर इच्छा होगी चलेंगे, या अपना तैरना था या कुछ जाता भाई लाइफ जैकेट पहन के कूदना होगा तो कूद जाएंगे, और देखते फिर भाई कर पाते कि नहीं कर पाते, और चल पड़ा यहाँ से, और मैं नहाने भी देखिए मेरे लिए बोट खड़ी थी बोटरी था, और देखिए यहाँ से जा रहा है ये नज़ारा, ये निकल चुकी है बोट, और भाई मज़ा आ गया यहाँ तो, बस सही बोले तो भाई पानी में मज़ा आ गया ना के, और नहीं तो गले कपड़े गीले फेंकते आएंगे, टी शर्ट और अंडर वेयर यही फेंकते हैं ऐसा लग रहा, तो इंजॉय कर लिया भाई, और बैटरी बदल लेते हैं, बैटरी टी शर्ट भाई स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं, फिर कर पाते कि नहीं कर पाते भाई, एक भाई हैं मलेशिया के, उन्होंने मेरी बच्ची बोले चलो मेरे साथ मैं कर पाता हूँ, कैमरा ले जा नहीं पाएंगे हम, तो चलिए करते हैं देखते हैं यहाँ करना है स्नॉर्कलिंग, देखिए भाई ठंड भी रही यार, बोल रहे पानी बहुत गहरा है, 30 फीट पानी है यहाँ पर, डर भी लग रहा है, जाऊँगी नहीं जाऊँगा यार, जाता हूँ देखते हैं, लेट्स ट्राई कैसे कर सकते हैं, अभी भाई साहब को देता हूँ कैमरा और चलते हैं अंदर, पानी तो काफ़ी गहरा है यार, पानी अच्छा है लेकिन यही कर लेते हैं इसके आस पास। तो बाहर आ चुके हैं भाई, और अपने बस की विद्या नहीं है, मज़ा तो आया लेकिन अभी इसकी छोड़ी वापस क्यों बनी, और देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं, देखिए ये देखिए सब ये भारतवासी हैं, ये देखिए ये बच्चे भी कर रहे हैं भाई, लेकिन अपने से नहीं हो रही है, ये देखिए, और ये देखिए भाई यहाँ का नज़ारा इस तरह है, लोग वहाँ आगे चले गए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चलते हैं इधर, दिखाता हूँ आपको लोग आगे से स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, काफी लोग जल पीड़ा कर रहे हैं, ये देखिए पानी बड़ा जबरदस्त है, पानी तो ऐसा है ना, वो करो ऐसा पानी आ रहा है, देखा पानी देखो और मजा देखा, सोने का सुहागा हो गया, पानी आ गया तुझे, ये था भाई चिकन आइलैंड, बारिश की वजह से देखिए यहाँ से देखिए आप क्लियर दिख पा रहा है चिकन आइलैंड, बिल्कुल चिकन के शेप में है ये, और वेदर खराब होने की वजह से आप प्रॉपर नहीं दिखा पा रहे हैं भाई, और चल पड़ी है गाड़ी, बहुत सारा मजा, बहुत सारी चटनी है, लेकिन नहीं इससे बोल रहा है, तो भाई पानी वानी ले लिया है, और बड़ा मज़ेदार भी रहते हैं भाई आइलैंड, बारिश तगड़ी हो रही है, और एकदम पानी पानी इतना गर्म है ना भाई, बिल्कुल गर्म पानी, आप नहाने जाओगे
हॉट वाटर है बढ़िया, जैसे स्प्रिंग वाटर नहीं होता जैसा गर्म पानी होता है, अभी करते हैं स्विमिंग, बोले वही ले जा रही है पानी, ले जा रही है, देख के आते खाने पीने का अच्छा खा उसके बाद देखते हैं। ये देखिए क्योंकि इस तरह का आइलैंड है, ये आइलैंड को इस तरह का है, देखिए भाई सुनामी आएगी तो आइलैंड कहाँ से बचेगा भाई, तो बीच में जो माउंटेन खड़े ना पानी के बीच में, बहुत अमेजिंग लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग, चारों तरफ वाटर है। तो भाई लंच के लिए आ गए और आपको मुझे दिख रही थी पानी की थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, तो बारिश बहुत तंगने वाली हो रही है, लंच यहाँ मैंने पैक पैक दिया है, बुफेट सिस्टम भी है, पैक दिया है, ये भाई लंच देखते हैं क्या क्या, राइस है, सैलड है, आलू है, आलू का चिकन है और ये सलाद, बस डेढ़ सौ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आइलैंड वाला टूर आप लेंगे ना तो वही इसका डबल कॉस्ट का, लेकिन हमें खाना तगड़ा वाला मिलता है, मज़ा आ जाता है, यहाँ भी कहेंगे बुफे चलते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है, यहाँ भी चल रहा है बुफे, सब कंपनी का अलग अलग है, टूर बहुत सस्ता भी है, चलिए ठीक है खाते हैं। ये मलेशियन फैमिली है, उन्होंने मुझे फोन क्लिक करवाई थी, बोला चलो आप मैं करवाता हूँ, देखिए सब साथ ही हम लंच कर रहे हैं, काफ़ी हैप्पी माहौल है भाई, खाना वाना हो गया, पानी की बोतल ले ली है, पानी ने सारा प्रोग्राम बिगाड़ा भी है और मैं कहूँगा कि मज़ा भी ला दिया पानी ने, तो देखिए यहाँ पे इस तरह के शख्स बने, आप जहाँ बैठ के अपना भोजन पानी अच्छे से खा पी सकते हैं, एक छोटा टेम्पल ही बना हुआ है और भाई दो घंटे हैं अपने पास, दो घंटे आराम से आप घूमे फिरिए, और भाई एक बार वो पानी अच्छा गर्म है यार, सी का वाटर अच्छा गर्म हो रहा है, चलिए देखते हैं एक आध डुबकी और मार लेते हैं, तो ये देखिए भाई नज़ारे यहाँ के, ये देखिए सामने बीच है, और भाई अभी है ना मलेशियन क्राउड खूब आया हुआ, तो ये सब बाय लैंड बॉर्डर आते हैं भाई, अपनी फोर व्हीलर से आते हैं मेरी, आपको मैंने दिखाया था ना मलेशियन फैमिली, दो घंटे 40 मिनट का टाइम दिया हमें, तो अभी और है 20-25 मिनट, उन्होंने बताया क्या, बोले ये मैंने ये सब थाई बहुत घूम रहा, बोले नहीं ये सब मलेशियन पीपल है, तो मैं अभी मलेशिया में एक हफ्ते का वेकेशन है, तो सब वेकेशन में उन्होंने इधर आएगा, ये देखिए मेरा नज़ारा, इसको बोलते हैं कोई पाड़ा बीच, कोई पाड़ा, ये देखिए भाई अभी 360 का हो गया, एक साइड मॉइस्चर ही मॉइस्चर हो गया यार भाई, तो एक कैमरे पूरा धुंधला धुंधला आ गया, और ये आ गया आप देखिए यहाँ से बीच के नज़ारा भाई, अमेजिंग वाइट साइड बीच है, अमेजिंग, खाना तो इतना अच्छा नहीं था लेकिन भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिए लग रही है, देखिए आप पानी भाई इतना गर्म है, पानी में जाती है मज़ा आ जा रही है, जैसा लग रहा है आपको गर्म पानी नहीं मिल जाता, जैसा गर्म हो गया पानी बिल्कुल बनाट गर्म पानी, हवा इतनी जबरदस्त सारी चल रही है, गजब की ठंड लग रही है, लेकिन पानी में जाओ ना पानी इतना अच्छा लग रहा है गर्म गर्म, जब वहाँ सारी ठंड भग जाती है, देखो फिर आते हैं और थोड़ा स्विमिंग विमिंग कर लेते हैं, बोट कौन सी भाई सबसे पहले देखना है शायद यही बोट भाई, चक्कर में ज्यादा आगे चले गए थे अभी, क्या अभी जोर होगा तो सही साइड पर आगे, क्या नहीं दिख पा रहे थे भाई, काफी मजा आ रहा है, और वो मोहतरमा सामने से हमारा वीडियो बना रही है उनके कैमरे से, अब उनको जाने क्या मजा आ रहा है, पानी से निकलने के बाद बहुत जबरदस्त वाली ठंड लग रही है, क्या अच्छे पानी में ही बैठो भाई, ये लोग देखिए कैसे आ रही है, ये देखिए, ये देखिए अभी ये 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 बस
दोस्तों बहुत नहली है, अब निकलना चाहिए यहाँ से, क्या बोलते हो आप? निकल जाए, मजा कर लिया आज, आज मज़ा आ गया भाई। जैसे ही बाहर आओगे आपका तो ठंड लगने लग जाती है, बेटर वसूल होगा और लाइन लगती है बोर्ड में चढ़ने के लिए। और भाई हवा इतनी तेज चल रही ना, हवा के साथ रेत भी चिपक रही, सी पड़ रही रेत, जैसे गोली भी चलती है, पानी फिर आई जाती है साइड में पीछे देख रहे हैं माउंटेन बहुत जोरदार पानी आया भाई। चलो चलते हैं, अपन करते हैं रिकॉर्डिंग बंद, तो चलते हैं बोट में बैठते हैं, शायद ये अपना लॉन्ग स्टॉप है, अब चीज़ें अपने को ड्रॉप करेगा ये अपने होटल पे, मतलब आउनंग बीच से अपने होटल पे ड्रॉप करेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं भैया कितनी देर की राइड होती है। ये देखिए रोक के जिंदगी में कभी सी वाटर में कभी ना हो जितना आज ना हो। इंडिया में भी कितनी बार गोवा गए, सपना में गए, केरला गए, इतना कभी भी स्विमिंग नहीं करा जितना आज किया, और अभी भी वो इच्छा खत्म नहीं हो रही है, पानी इतना शानदार है, ममता भी साइलेंट हुआ वही सब आइलैंड के मैं नाम है ना नीचे दूंगा आपको, कि मैं भी प्रनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ बराबर, तो ये सब आइलैंड के नाम आपको नीचे मेंशन करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा 900 बात में, कोई बुरा नहीं भाई, कल जाने में भाई हमारी बोट अभी कोई भी नहीं आया बोट में, कोरोना आ रही है बोट में चल रही है, सबकी फोटो ले रही है लेते हैं खाते हैं Thank you. तो भाई अपन ने ले लिया तरबूज और एक पाइनएप्पल वंस मोर, बाय बाय आइलैंड। इधर से आए थे, इधर ही वापस चल गए, इसी वजह से आए थे, और वही पानी ने तो बहुत तगड़ा वाला माहौल खराब करा है। वेटिंग एरिया है, यहाँ बैठना है जाते टाइम, हम बैठे नहीं थे लेकिन यहाँ से चले थे, नहीं आ गए खड़ा भाई, अभी हमको ड्रॉप करेगा, ये देखिए खड़ी गाड़ी है।